हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है साल 2020 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी 2020। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का साल 2020 बहुत ही हंसी खुशी से गुजरे और हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज का बिहार का न्यूज स्टार्ट करते हैं। अगर आप उससे पहले नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। एक सप्ताह से बिहार वासियों को लगातार सर्द पछुआ हवा सता रही है। पिछले 3 दिनों से रात में नब्ज जमाने वाली ठंड पड़ रही है। 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चल रही पछुआ हवा के कारण दोपहर बाद धूप होने के बावजूद ठिठुरना बरकरार है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम पर्यवेक्षक विक्रम कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ठिठुरना बरकरार रहेगी। सुबह में कोहरा धुंध रहेगा, दोपहर बाद धूप निकलेगी। 2 से 4 जनवरी 2020 तक हल्की सी बारिश या फिर बूंदाबूंदी पड़ने की संभावना है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक 4 जनवरी को होगी। इस बैठक में एफिलिएशन कमेटी के विषयों की संपुष्टि की जाएगी। वहीं एकेडमिक काउंसिल में अगले वित्तीय वर्ष के बजट के विषय पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक दिसंबर में ही होने वाली थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया था और 4 जनवरी में करने का निर्णय लिया गया था। बिहार में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना बाइक चालकों को महंगा पड़ा है। नहीं सुधरने वाले चालकों से पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। पटना के बाद भागलपुर दूसरे स्थान पर है। जुर्माना भरने के बाद 50% चालक हेलमेट पहनने के बाद ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन शेष 50% के लिए नए साल से सख्त अभियान चलेगा। भारी लोगों से ज्यादा शहर के लोग ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यूजीसी नेट परीक्षा परिणाम UGCNET.NTA.NIC.IN पर आज घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना परीक्षा परिणाम NTA नेट की आधिकारिक वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN पर देख सकते हैं। भागलपुर दुमका रेल रूट में भागलपुर से बराहट सेक्शन में लगभग 50 साल पहले बिछी रेल लाइन को बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। सी कैटेगरी को पुरानी पटरियों को बदलकर अब वैसी आधुनिक गुणवत्ता वाली पटरियां लगाई जाएगी जिस पर राजधानी जैसी ट्रेनें भी अपनी रफ्तार से चल सके, इसके लिए रेल ट्रैक की आपूर्ति कर दी गई है। बिहार में 2020 अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। इसके मद्देनजर सूबे के सभी सियासी दल अपनी रणनीति को लेकर विमर्श के दौर से गुजर रहे हैं। इसी सिलसिले में JDU भी अपनी रणनीति बना रही है और इसके लिए पार्टी के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान राजगीर में होना है, क्योंकि 22 और 23 जनवरी को यहां प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का राजगीर से विशेष लगाव है और इस जगह को पर्यटन के लिहाज से अंतरराष्ट्रीय पटल में लाने के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। यहां की धरती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े बड़े राजनीतिक फैसले भी लिए हैं, लिहाजा इस महाजुटान को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। नया साल राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कई बड़े अवसर लेकर आ रहा है। राज्य और केंद्र की कई बड़ी परीक्षाएं होंगी, कुछ नई वैकेंसी भी आने की उम्मीद है। इस साल कई प्रारंभिक परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट आना है, कुछ बड़ी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा होनी है। केंद्रीय नौकरी की बात करें तो रेलवे की 2 बड़ी परीक्षाएं 2020 में होगी। इनमें एक परीक्षा स्नातक स्तरीय NTPC की है, इसमें 34,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होनी है। इसकी परीक्षा मार्च से अप्रैल में होनी है, लाखों छात्रों ने आवेदन किया है। वही दूसरी बड़ी परीक्षा रेलवे की ग्रुप डी की है, इसमें 1 लाख से भी ज्यादा सीटें हैं। 1 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है, यानी कि अप्लाई किया है। इसकी परीक्षा NTPC के बाद होगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU नेता प्रशांत किशोर के विरोधाभासी बयानों से पैदा हुई असहजता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में BJP और JDU गठबंधन को लेकर सब ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मीडिया ने नीतीश कुमार से गठबंधन को लेकर लगातार हो रही बयानबाजी पर सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि सब ठीक है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर यानी कि PK के नाम से मशहूर इस राजनेता ने JDU को बड़ा भाई बताते हुए कहा था कि बिहार में NDA की वरिष्ठ साझेदारी होने के नाते उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में BJP के मुकाबले अधिक सीटें लेगी, यानी कि JDU को BJP के मुकाबले विधानसभा चुनाव अधिक सीटों पर लड़ना चाहिए। PK ने कहा कि मेरे अनुसार लोकसभा चुनाव को फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में दोहराया नहीं जा सकता है। इस बयान को लेकर BJP की तरफ से भी पलटवार हुआ था। जनवरी के पहले सप्ताह में पटना के 2 नए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG रिफिलिंग स्टेशन की सौगात मिलने जा रहा है। नबतपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी मसौरी रोड पर CNG स्टेशन बनकर पूरी तरीके से तैयार है। जनवरी के पहले सप्ताह में इसका उद्घाटन किया जाएगा।
बिहार ने कम्युनिटी हेल्थ में 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं। इस कोर्स को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके तहत कुल 1200 पदों पर भर्तियां की जाएगी। योग्यता की बात करें तो आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से GNM BSc यानी कि नर्सिंग होना आवश्यक है। साथ ही इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर भी होना चाहिए। आपको इस जॉब के लिए 20,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार 250 और 500 रुपया होगा। प्राप्त आवेदकों में योग्य उम्मीदवारों का चयन के लिए मेगा सूची तैयार की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2020 तक है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि वर्ष 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ाया जाएगा। सीटों के तालमेल का निर्णय दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व समय पर ही करेगा, कोई समस्या नहीं है। पूर्णिया जिले के 44 अवैध पैथोलॉजी संस्थान को बंद करने का निर्देश दिया है। जिले भर में चल रहे पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के बाद यह कार्रवाई सिविल सर्जन के आदेश से की गई है। जांच के दौरान कुल 57 पैथोलॉजी अवैध पाए गए थे। इन संस्थानों को कहा गया था कि या तो उनकी तकनीकी कमियों को दूर कर लें या फिर संस्थान बंद कर दें। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का पालन करते हुए 13 संस्थानों ने नए सिरे से तकनीकी कमियों को दूर करते हुए अपना निबंधन करा लिया। वहीं 44 पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण ये सब बंद करने होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी के फायर भरा नेता कहे जाने वाला केंद्रीय गृह मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन क्या ज्ञान देते रहता है, हम तो जेडीयू में नीतीश कुमार और बीजेपी के बयानों को तवज्जो देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार शाम को मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के 3 घंटे के भीतर ही कैबिनेट बैठक बुला ली। इस अहम बैठक में हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण फैसले पर मोहर लगाई है। मंत्रालय पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने कर्मियों को भी संबोधित किया और कहा कि हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस दौरान मंत्रालय के अधिकारियों, पदाधिकारियों और कर्मियों ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि राज्य की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 6 जनवरी 2020 से 8 जनवरी 2020 तक चलेगा। विकास के दौर में एक छोटे से राज्य ने लंबी छलांग लगाई है और इनसे पीएम मोदी गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। वह राज्य कोई और नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत का सिक्किम राज्य है। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केरल 17वें अंक के साथ शीर्ष पायदान पर है, यानी कि पहला पायदान पर है विकास के दौर पर, जबकि अपना बिहार सबसे पिछड़ा रहा है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य अभी भी कायम है। 2020 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। ऐसे में पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कटिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने बिहार में नए मोर्चा शुरू करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष को भी नहीं छोड़ा है, विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव को देखते हुए वाम दल और जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हम और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं। झारखंड के नतीजों से बिहार में भी सियासी सरगर्मी बढ़ी है। नतीजों ने महागठबंधन को ताकत भी दिया है। हालांकि राजद को मात्र 1 ही सीट मिली है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में महागठबंधन की कमान उसके ही हाथ में रहेगी। कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है। रालोसपा हम और VIP के अलावा इस बार वाम दल भी महागठबंधन में आ सकते हैं, इसीलिए सीटों के तालमेल को लेकर खींचतान भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल मुख्यमंत्री को लेकर है। राजद नेता तेजस्वी यादव को उनकी पार्टी बतौर मुख्यमंत्री पेश तो कर रही है, लेकिन उनके तौर तरीके ऐसे हैं जिसे लेकर उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव नाम का हिचकिचाहट होने लगा है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी स्वीकार करने के मूड में नहीं है। साल के आखिरी दिन नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडे पर मोहर लगी। इस बैठक में काफी वक्त से ड्यूटी से गायब डॉक्टर को बर्खास्त करने का फैसला किया गया। ड्यूटी से गायब रहने के कारण कैबिनेट की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पटना में हुई कैबिनेट की पिछली बैठक में 15 मेडिकल अफसर और गया में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में कुल 13 मेडिकल अफसर को सस्पेंड किया गया था।
बिहार का विकास अपने लक्ष्य को हासिल करने में लक्ष्य से कोसों दूर है। इस बात का खुलासा हम नहीं बल्कि नीति आयोग ने किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से नीति आयोग ने SDG सूचकांक 2019 जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 100 सांकेतिक पर आधारित 54 लक्ष्यों के आधार पर राज्यों के विकास का रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीविकोपार्जन जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। बिहार इन तमाम पैमाने पर खरा नहीं उतर पाया है। देश में कोई भी ऐसा राज्य है जिसमें विकास नहीं हुआ है तो वह बिहार ही है। तो दोस्तों आज का न्यूज बस यहीं, तो कैसा लगा आपको आज का न्यूज जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।